जी मदिया, नेक्स्ट सॉन्ग हमें कौन सा सुना रही हैं आप? ये भी मेरा न्यू सॉन्ग है जी, और इंशाल्लाह दोनों मैंने वीडियो जो है वो इकट्ठे इंशाल्लाह रिलीज करने हैं जी। माशाल्लाह, एक महीने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सराकी मैंने भी किया है, तो अभी ये एक पंजाबी है। क्या बात है माशाल्लाह की। अच्छा वजह जी, जिसको सीटी ना मारनी होती उसके लिए क्या ऑप्शन है? बहुत खूबसूरत रिहा सर, माशाल्लाह जैसे आप हेयर स्टाइल बनाए हैं आप आके मार सकते हैं। ये तो अपने हेयर स्टाइल को भी मार सकते हैं ना। जी नाजरीन, ये थी वजिया, बहुत ही खूबसूरत, सीटी मार बुला मैंने तक ला सोने। ये इस तरह के ख्याल कैसे आते हैं आपको, कैसे ये वजिया जी आप इसकी? जाहिर है ये एक न्यू
दिमाग में आया था ख्याल। जी जी माशा, तो आपको पता है जो न्यू हो वही दुनिया सुनना, बहुत अच्छी लिरिक्स है माशा, और इंशाल्लाह जिस तरह मेरे हमेशा फैंस ऑडियंस ने हमेशा मुझे पसंद की है जी जी। तो उम्मीद है कि इसी तरह मेरे ये जो वीडियो जब होंगे लॉन्च तो इनको लाइक करेंगे और पसंद करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही सूफी इज़्म के कवाल हैं, बहुत प्यारे, बहुत ज़बरदस्त कलाम पढ़ते हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे साथ। लेके चलते हैं जी, आप क्या मैसेज देंगी वजिया न्यू टैलेंट को? मैं न्यू टैलेंट को यही मैसेज दूंगी कि लाइफ में मेहनत करते रहना चाहिए, कभी नहीं ये सोचना चाहिए कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ, बहुत हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, झुके रहना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए और अपने काम को सीखते रहना चाहिए। क्या बात, उसमें कभी भी ये ना समझे मुकम्मल हो। तो और कैसा लगा आज हमारे निजाम के लिए में आके आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ प्रोड्यूसर साहब की, आपकी और हमारे दोनों आप एंकर हैं आप सब। जी रेहान भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो न्यू मॉडल आ रहे हैं आजकल, जो बच्चे इस तरह का मेरा ख्याल नहीं कर सकेंगे मॉडलिंग जो आपने की हुई है माशाल्लाह। मॉडल मॉडल की रेफिनेशन है ना, मॉडल मीन नमूना जी। तो कोई बंदा मॉडलिंग अपना नाम बनाना चाहता है तो उसे चाहिए कुछ डिफरेंट करना, डिफरेंट करना जो लोगों की नजरों में रहे, लोग बोल देना क्या बात। तो ये चीज यंगस्टर को अपनानी चाहिए माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। आप बेटा क्या मैसेज लेंगे, ये तो खुद इनको मैसेज देना चाहिए, मैसेज की जरूरत है। चलो फिर भी आपने जितना बताया है अभी तक जितना काम किया। जी सर, आप अपने आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी मैसेज में अगर तो इस जो आप इस आज कैसा लगा आर्टिस्टों के बीच में बैठ के, आर्टिस्टों के भी बहुत से मसाइल होते हैं जी। मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि ये जी हमारे मुल्क के जो फनकार हैं, जो आपकी इंडस्ट्री है, आप लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि ये जो लोग आजकल हर बंदा ही तकरीबन जुल्म में, महंगाई में, कोई ना कोई दुख में आज आप नेक्स्ट हुए हैं हमारे निजाम चैनल पर आ गए। तो आप लोग जो है ना लोगों को एंटरटेनमेंट मुहैया करते हैं, लोगों के दिलों की खुशी का बाइस बनते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये भी एक अजर है जो आप लोग कमा रहे हैं। अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आप आ रहे हैं, आप किसी की मुस्कुराहट की वजह बन रहे हैं, कोई आपको आपकी सुन के मौसीकी गाना सुन के को खुश हो रहा है, अपने गम बुला रहा है, तो इसका क्रेडिट आपको जाता है जी। क्या बात, क्या बात, ये तो हमारे चैनल को जाता है इसका क्रेडिट। को चाहिए कि इस शोबे पे तवज्जो दे और फनकारों को जो है इसका बड़ा अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना इनको जो है ना रिलैक्स होना चाहिए, होना चाहिए। आप इसका कोई करेंगे कोई ऐसी बात कोई? अगर अल्लाह ताला की ज़ात पाक इंशाल्लाह जरूर आपको मकाम पे लेके जाए इंशाल्लाह जी। ये तो हमारे मुल्क का पाकिस्तान का असासा है, जो फनकार हैं, चाहे वो एक्टर हैं, गुलकार हैं, या जो आप जैसे जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो इनको तो जो है ना गवर्नमेंट को जरूर सपोर्ट करनी चाहिए ताकि इस शोबे को देखे ना हमारे हमसाया इंडिया में फनकार या इस तरह की ये जो कितनी गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट करती है और वो लोग जो है इसमें कितना, तो इस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस शोबे में खसूसी तवज्जो दे ताकि जो है ना ये शोबा परवान चढ़े। तो अब आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और बड़े ही प्यारे से सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम हैदर जी। नदीम हैदर भाई आज क्या सुना रहे हैं?
जी बुलेशा का कलाम है माशा, रांझा रांझा कर दी नी मैं आप पे रांझा क्या, तो कंपोजिशन जो है वो मेरी अपनी है जी माशा, तो चादर ला सुट कुड़िए